नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल फिटनेस प्रोटोकॉल में। मैंने एक ECA स्टैक फैट बर्नर का एक वीडियो बनाया था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट्स में पूछा कि क्या वो ECA स्टैक ले सकते हैं या फिर इससे बेटर कुछ है या इससे कम कोई लेस पोटेंट कोई फैट बर्नर है जिसके साइड इफेक्ट्स भी कम हो। मैंने देखा कि बहुत सारे 16-18 साल के लोगों ने मुझसे पूछा कि आप वो ECA स्टैक ले सकते हैं, तो मैंने उनको यही बोला कि नहीं, आप अगर 16-18 साल के हैं तो आपको ECA स्टैक क्यों चाहिए? कि आपने पहले L-carnitine यूज़ किया या फिर कोई और लेस पोटेंट फैट बर्नर यूज़ किया? तो अगर आप 16-18 साल के हैं तो ECA स्टैक आपके लिए नहीं है। तो आज हम बात करेंगे एक पोटेंट फैट बर्नर की जो कि बहुत बेनिफिशियल है फैट लॉस में, लेकिन उसके साइड इफेक्ट वैसे नहीं हैं जैसे ECA के हैं, और ये ECA स्टैक से थोड़ा लेस पोटेंट है और इसके साइड इफेक्ट्स भी ECA स्टैक से कम। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं, ये था ECA स्टैक जिस पर मैंने लास्ट वीडियो बनाया था। आज मैं बात करूंगा इसी न्यूट्रीजा कंपनी के थर्मोपीक की। ये थर्मोपीक इस ECA स्टैक से थोड़ा कम पोटेंट है, इसमें पहली चीज एफेड्रा नहीं है तो इसके साइड इफेक्ट्स भी कम है, और इसमें बाकी भी चीज़ें थोड़ी कम अमाउंट में है तो ये आपके लिए बेटर है। तो मैं आपको बताऊँ इसमें क्या क्या है। इसमें मेन फैट बर्नर कंपोनेंट है योहिम्बिन, जो कि आपको एक कैप्सूल में 2.5 mg मिलता है, और इसमें आपको कैफीन भी कम मिलता है ECA स्टैक के मुकाबले, तो इसमें आपको मिलता है 200 mg कैफीन। इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट भी 500 mg है, और इसमें इन्होंने नियासिन भी यूज़ किया हुआ है 100 mg का। ग्रीन कॉफ़ी बीन एक्सट्रैक्ट भी 300 mg इसमें इन्होंने डाला है, और गार्सिनिया कंबोगिया जो कि एक नेचुरल फैट बर्नर है वो भी इन्होंने इसमें डाल के रखा हुआ है 500 mg। तो अब हम बात करें इसकी, तो ये क्या है, ये आप कैसे ले सकते हैं? इसको आप एक कैप्सूल प्री वर्कआउट ले सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें 200 mg कैफीन है, और एज पर रिकमेंडेशन आपकी डे की पूरी दिन की कैफीन 350 से 400 mg के ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो आप बाकी जो भी प्री वर्कआउट ले रहे हैं या कॉफ़ी पी रहे हैं उसको इस तरह कैलकुलेट करके पीजिए कि अगर आप ये कैप्सूल ले रहे हैं तो 200 mg आपको इसी से कैफीन मिल जा रही है। अब इसको अगर हम कंपेयर करें ECA स्टैक से, तो आप देखेंगे ECA स्टैक में एफेड्रा तो चलो इसमें है ही, इसमें थर्मोपिक में एफेड्रा नहीं है, लेकिन बाकी एफेड्रा के अलावा अब इसमें जो था योहिम्बिन एससीएल इसमें 5 mg है पर कैप्सूल, और इस थर्मोपीक में 2.5 mg है। मतलब आप एफेड्रा को हटाने के बाद भी योहिम्बिन भी कंपेयर करें तो ECA स्टैक में डबल, एक कैप्सूल में डबल योहिम्बिन है, इसमें उसका आधा है। कैफीन भी इसमें आपको 300 mg है ECA स्टैक में, थर्मोपीक में कैफीन आपको दिया गया है कैप्सूल में 200 mg। तो आप देखिए ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा संभल के सोच संभल के थोड़े कम पोटेंसी में आपके फैट बर्नर कंपोनेंट्स डाले गए हैं, इसके साइड इफेक्ट्स भी इसीलिए कम होंगे। मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप सीधे ECA स्टैक को यूज़ ना करें, आप पहले इसको यूज़ करें, उसके बाद अगर आपको इससे रिजल्ट नहीं मिल रहा है तब आप जाएं और ECA स्टैक को यूज़ करें। ये थर्मोपिक न्यूट्रीजा का है, ये भी आपको 550-600 का मिलता है, इसमें आपको 90 कैप्सूल मिल जाती है, पर रेट थोड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं। जब मैंने लिया था तो उसके रेट कम थे, अभी भी ऐसे ही होगा, आपका 500 से 800 के आसपास मिल जाएगा।